अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम यू आर व्यूअर्स, दिस इज़ मी मोहम्मद जुनैद एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। आई एम हियर वंस अगेन। तो जनाब, आज के लेक्चर में हम काइनेटिक एनर्जी को प्रूफ करेंगे कि कैसे काइनेटिक एनर्जी बराबर होती है 1/2 mv² के। तो लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले आप सबसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और लेक्चर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि मज़ीद हमारी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहुंच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देर के। काइनेटिक एनर्जी हमारे पास बराबर है प्रूफ दैट काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv², ठीक है जी। इस चीज़ को हम आज के लेक्चर में प्रूफ करेंगे, ठीक है। तो हमको ये पता है कि W इज इक्वल टू Fs, ठीक है, यानी वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस। तो F का भी हमें पता है कि F इज इक्वल टू ma। इसको इक्वेशन नंबर 1 करते हैं और इसको 2 करते हैं, ठीक है जी। नाउ putting equation number 1 into ठीक है जी, F की जगह हम यहाँ पर एम ए पुट करेंगे। तो W इज इक्वल टू MAS, ठीक है जी। और ये W जो है ये बराबर है काइनेटिक एनर्जी का, W इज इक्वल टू KE, ठीक है जी। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि के ई इज इक्वल टू W, और W बराबर है हमारे पास एम ए एस का। के ई इज इक्वल टू एम ए एस। नाउ फ्रॉम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन 2as इज इक्वल टू vf² - vi² वो हमारे पास कुछ इस किस्म का है। फ्रॉम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन vf² - vi², ठीक है। यहाँ पे हम कुछ कैलकुलेशन करने वाले हैं, यहाँ पे 2 पे डिवाइड करते हैं ताकि हमारे पास ए एस आ जाए। यहाँ पे देखिए ए एस, और इसकी वैल्यू का हम यहाँ पे फिर पुट करेंगे और इक्वेशन हमारा प्रूफ हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने डिवाइड कर दिया, तो यहाँ पे भी 2 पर डिवाइड करते हैं, यानी डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 2, ठीक है जी। अब ये इसके साथ कैंसिल हो सकता है तो ए एस रह जाएगा। यहाँ पे देखिए स्टार्ट में इनिशियल वेलोसिटी जो है वो 0 है, और फाइनल वेलोसिटी तो कुछ ना कुछ होगी ज़रूर, ठीक है। तो हम वो वी स्क्वेयर से नोट करते हैं, यानी वी स्क्वेयर अपान 2 रह जाएगा हमारा। पुटिंग ए एस इज इक्वल टू v² / 2 इन इक्वेशन नंबर 3, इसको इक्वेशन नंबर 3 करते हैं, ठीक है जी। इक्वेशन नंबर 3, तो ये हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू m, और ए एस की जगह, यानी ये ए एस है ना, तो ये ए एस बराबर है v² / 2, तो ये हो जाएगा v² / 2। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू ये 1/2 हो जाएगा, और ये m को इस साइड पर ले आते हैं, और ये v² भी 7 हो। तो ये हमारा प्रूफ है छोटा सा, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv². तो होप करते हैं आपको लेक्चर की समझ आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक दीजिएगा और ज़रूर अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द लेक्चर।